जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 जून 2021 के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए 28 जून का दिन कैसा रहेगा, इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, क्या योग बनेगा और उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए इस दिन के तिथि नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। 28 जून का जो दिन है ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आषाढ़ का महीना चल रहा है। घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा, सोमवार का दिन होगा। इस दिन विष्कम्भ नाम का योग बनेगा। चंद्रमा दोपहर 1 बजे तक मकर राशि में है, शनि के साथ युति कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाएंगे, जहां पहले से गुरु विराजमान हैं, तो चंद्र और गुरु की युति होगी और इससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। सूर्य मिथुन राशि में है, आद्र नक्षत्र में, और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो इस दिन देखिए गजकेसरी योग तो निर्मित हो ही रहा है और यहाँ आपके सप्तम भाव में गजकेसरी योग बनेगा और दोपहर तक 6 भाव में चंद्रमा होंगे, उसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा चले जाएंगे जहाँ गजकेसरी योग बनेगा। तो ये आपके काम के लिए बहुत अच्छा दिन होगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिन ये साबित होने वाला है। आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ रहेगा, आपका मन भी लगेगा पढ़ाई में और जब आप मन लगाकर काम करेंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो लोगों के बीच में लोहा मनवाने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में एक अपने लिए एक स्तंभ खड़ा कर सकते हैं आप। इसीलिए हार नहीं माननी है और अपने काम को कंप्लीट करना है, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। जब आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं वही आपको एक बड़ी मंजिल तक लेकर जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा अगर करते हैं तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, कीमती सामान को ध्यान से रखने की आवश्यकता होगी वरना आपका कोई सामान खो भी सकता है, तो सावधानी रखें यात्रा करते समय भी। और अगर आप कोई व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी होगी, थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। सावधानी काफ़ी होती है, जब आप चीज़ों को संभालते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाती हैं। अब आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन बड़ा मंगलकारी आपके लिए साबित होगा, रुके हुए कामों को बनवाने वाला, रुके हुए काम बन सकते हैं आपके। यदि आपके कहीं पैसे अटके पड़े हैं तो वो भी आपको वापस मिलने वाले हैं, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी, अच्छी स्थितियां आपकी निर्मित होंगी। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कुछ अच्छे की अपेक्षा कर सकते हैं और आपके मित्र भी आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। ये जानकारी आपके कामकाज से जुड़ी भी हो सकती है, तो आप किसी किसी तरह के ऋण के बारे में भी ये पूछ सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से सोच विचार कर फैसला लेना है अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, और अगर आप किसी से ऋण लेने वाले हैं तो भी आपको सोच समझ कर लेना है कि किस व्यक्ति से आप ऋण ले रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, इतना लें जितना आप चुका सकते हैं, क्योंकि ऋण को चुकाने में काफ़ी समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचें जहाँ आपको खुद को सम्मानित होने से रुकना पड़े। अब इस दिन आपके कामकाज में बड़ी स्थिरता बनी रहेगी। कामकाज में देखिए ये सप्ताह का पहला दिन है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पहला दिन जो होता है उस दिन काम जो है वर्कलोड जो है कुछ ज़्यादा ही बना रहता है, तो आप कुछ नया सोचने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं क्योंकि वक्त नहीं मिल पाएगा, लेकिन मित्रों के साथ शाम का वक्त अच्छा बीतेगा और आपको कुछ मदद भी मिलती हुई नज़र आएगी। जो लोग किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं, मैनेजर हैं या उससे अलावा किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उन्हें किसी भी काम में किसी तरह की जल्दबाजी करने से बचना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी विषय को लेकर तनातनी हो सकती है, विवादित स्थिति हो सकती है, तो बुजुर्गों से जब आप बात करते हैं तो थोड़ा संयम से पेश आएँ, थोड़ा धैर्य से पेश आएँ।
ताकि आपका किसी भी बात को लेकर विवाद ना हो। और आपको उनकी बात पर, जो वो बात बताते हैं, उस पर एक बार ध्यान ज़रूर देना है। अगर मानने लायक बात है तो आप माने ज़रूर। इससे क्या होगा, शांति रहेगी और उनको भी ये एहसास होगा कि हाँ, आप उनकी बातों से मतलब रखते हैं, आप उनकी बातों को तवज्जो देते हैं। तो धैर्य रखने से कई बार चीज़ें बहुत ही अच्छे से बेहतर रिजल्ट देने वाली होती हैं, चीज़ें जल्दी ही बेहतर हो जाती हैं। घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी। अब बात करते हैं हम प्रेम संबंध के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में और पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन तो ठीक रहेगा और प्रेम संबंध की बात करें तो खुशियों से भरपूर दिन आप कह सकते हैं। अपने साथी के साथ कुछ वक्त अकेले में बिताने को मिलेगा। आप अगर कुछ दिनों से बोरियत महसूस कर रहे थे तो वो बोरियत भी आपकी दूर हो जाएगी। कुछ मूल्यवान पलों को अपने आप में, अपनी यादों में समेटने का प्रयास करेंगे जिन्हें आप जिंदगी भर याद रख सकें। दाम्पत्य जीवन सुकून भरा रहेगा। जीवन साथी आपके कोऑपरेटिव होगा और अगर आपका जीवन साथी भी वर्किंग है, जॉब या नौकरी या दुकानदारी ऐसी कुछ करता है, तो उनके कामकाज में आज अच्छे रिजल्ट मिलने के योग हैं। कोई अच्छे काम उनके जीवन में आज हो सकते हैं, कामकाज से जुड़े हुए कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे जिम्मेदारी दी जा सकती हैं या उनके ऑफिस में उनकी सराहना हो सकती है, कलीग्स उनकी तारीफ कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अनुकूल दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो आज थोड़ा सा तो शांत आप दिखेंगे लेकिन अंदर से मन थोड़ा बेचैन हो सकता है, परेशानी थोड़ी सी आपकी बनी रह सकती है। तो दिमागी तनाव को ज़्यादा तवज्जो ना दें। दिमागी तनाव को दूर करने के लिए कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने मन पसंदीदा काम आप कर सकते हैं, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ समय स्पेंड करें। आप देखेंगे बहुत ही जल्द आप काफ़ी अच्छा महसूस करने लगेंगे। इन चीज़ों को करके देखें और रात को आप मेडिटेशन, योग या 10-15 मिनट आप थोड़ा सा एकांत में बैठकर योग कर सकते हैं। ये आपको मानसिक रूप से आपके तनाव को दूर करता है, रिलैक्स करता है, आपकी अच्छी नींद आने में आपकी हेल्प करता है। जब आप अच्छी नींद लेंगे तभी आप तंदुरुस्त रह पाएंगे और आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा का विकास होगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं आपके लिए, तो इन चीज़ों को करके देखें आप, तभी आपको उसका बेनिफिट जो है वो दिखने को मिलेगा। और ये जो गजकेसरी योग बना है इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कामकाज अच्छी गति से चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कामकाज में आपका मन लगता है, स्थिर रहता है, अशांत नहीं होता है, तब आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। उपाय के तौर पर आप अगर कोई ज़रूरी काम इस दिन करने जा रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग धारण करें। सफ़ेद रंग आपके लिए इस दिन के लिए शुभ बना हुआ है और शुभ अंक आपके लिए 8 है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।